हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योग प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 18 में मैं डॉक्टर रामनानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले के व्याख्यान में यानी हमने 9वां चैप्टर देखा जैन योग का, किताब 1 का 9th चैप्टर, जिसमें देखिए हमने टालने योग्य गलतियां अवॉइडेबल मिस्टेक्स, इसकी शुरुआत वो शेक्सपियर के एक कथन से करते हैं और फिर उस कथन के बारे में बताते हैं कि कैसे पापी शब्द को हमें बदल देना चाहिए अज्ञान से, और कैसे जो विद्रोही शक्तियां हैं वो हमारे मन का IES केंद्र जो है उससे उसको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। वे बताते हैं कि जो बाहर के आवेग आते हैं हम तक पहुँचते हैं वो तीन जगहों से मेन आते हैं, आपको बताइए, श्वसन के माध्यम से बाहर के कोडेड इंपल्स आते हैं अंदर, खाद्य व पेय के माध्यम से कोडेड इंपल्स आते हैं, और पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोडेड इंपल्स अंदर आते हैं। उसके बाद बताते हैं कि भाई कैसे ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारे जो कोडेड इंपल्सेस हैं, हाथ है, पैर है, ये सब मिलके भी उस एक चीज पर यानी स्व पर दावा नहीं कर सकते, लेकिन स्व एक ऐसी चीज है जो इन सब पर दावा कर सकती है, और स्व को उन्होंने नाम दिया है अध्यक्ष। क्या नाम दिया है? अध्यक्ष, या तो चेयरमैन, और उसके अंदर होते हैं एक सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सेक्शन 4 का केंद्र, एक जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सेक्शन 3 का केंद्र, और उसके नीचे होते हैं 5 निदेशक यानी 5 डायरेक्टर्स, और 5 डायरेक्टर्स क्या है? IESM और सेक्शन 2A यानी सूप सेक्शन 2 कोई एकत्रित बोलते हैं इंट्यूशन सेंटर, लेकिन उसका एक भाग यानी 2A का भाग होता है जो ये 5 निदेशक बताते हैं यानी निदेशक है यानी डायरेक्टर्स हैं। फिर कहते हैं कि इन पांचों में लीकेजेस यानी रसाव होते रहते हैं। तो आय केंद्र का रसाव क्या होता है कि जब हम लोग सोच रहे हैं और हमारा मन ड्रिफ्ट कर जाता है, कोई विचार कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं आय केंद्र का लीकेजेस। ई केंद्र का लीकेजेस क्या होता है कि जब हम डेबिट अकाउंट में चले जाते हैं यानी पास्ट में चले जाते हैं या तो फ्यूचर के बारे में चिंता ही करते हैं, वो ई केंद्र का क्या है? रसाव, या तो लीकेजेस। एस केंद्र के लीकेजेस होते हैं जो रात को वीर्यपात होता है सपने में, या जब संभोग होता है उस टाइम पे जो वीर्य निकलता है, या तो लेडीज में जो स्त्रावण होता है उसको कहते हैं एस केंद्र का रसाव। और एम केंद्र का रसाव अननेसेसरी मूवमेंट जो हम करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, हाथ से ऐसा उंगलियां हिलाते रहते हैं, पैरों को हिलाते रहते हैं, वो होता है एम केंद्र का रसाव। आई एम केंद्र का रसाव नहीं होता है, ऑन द कॉन्ट्री आई एम केंद्र इन रसावों की पूर्ति करता है। क्या करता है? मरम्मत करता है, क्योंकि आई एम केंद्र वो सभी जो ऑटोमेटिक गतिविधियां हमारे शरीर में होती है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी श्वास चल रहा है, पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, स्त्राव निकल रहे हैं, पचन हो रहा है, या तो हम जो भी गतिविधियां करते हैं जो अपने आप हो रही है जिसका हमारे जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, वो IN केंद्र के अंदर रखा गया है, और भगवान की दुआ है कि वो उसके अंदर रखा गया है। उन चार केंद्रों के अंदर ये प्रतिक्रिया है यानी ये जो प्रक्रिया है नहीं रखी गई है, क्योंकि वो खुद ही इतना आपका नेचर ऐसा इम्बेलेंस है, इनको अगर कंट्रोल करेंगे तो हमारा कुछ भी हो सकता है, भला कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि IN केंद्र के अंदर ये सब चीजें रखी गई है, और IN केंद्र अपने नॉर्मल काम से ज्यादा होते हुए क्या करता है, इन केंद्रों में जो रसाव है उनकी मरम्मत करता है ना। तो इसलिए बेचारा वो थक जाता है, और कभी कभी इतना थक जाता है कि वो टूटने लगता है, और जब वो टूटने लगता है, जब उसमें डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है, तो हमारे शरीर में कुछ शिकायतें निर्माण होती है, और स्टार्टिंग में शिकायतें होती है दर्द कहाँ ना कहाँ पे, और बाद में बड़ी बड़ी शिकायतें यानी बड़ी बड़ी बीमारियां निर्मित होती है, क्योंकि ये आयन केंद्र अपना काम करके थक जाता है इन लीकेजेस को बंद करने के चक्कर में। फिर बताते हैं आगे कि भाई ये हमारे जो इंसान बना है वो क्या है? आत्म विकसित प्राणी है। हमें अपना विकास क्या करना है? खुद करना है। कोई डायरेक्टली हमारा विकास आगे कोई बड़ी शक्ति आगे करने वाली नहीं है, तो हमें खुद का विकास करना है, और जैन योग के हिसाब से खुद का विकास करना है यानी अपने IESM रेशियो को अनुपात को बदलना 2482 से 5221, ये हुआ यानी अपना विकास। और इसको हमेशा अपने विकास के उद्देश्य को क्या करना चाहिए? अपने आंखों के सामने रखना चाहिए, और जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको देखना है कि मैं ये अपने उद्देश्य की दिशा में जा रहा हूँ कि उद्देश्य की विरुद्ध दिशा में जा रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि हम विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं अपने उद्देश्य से, तो उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा,
और सुधारात्मक तरीके जो आगे जाके बताने वाले डॉक्टर सयाजी 12वें चैप्टर में, उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम अपने अनुपात को बदल पाएंगे और तब हम पहुंच पाएंगे उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज यानी महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक। तो यहाँ तक कल हमने यानी पहले से पहले के व्याख्यान में देखा टालने योग्य गलतियों में। आज हम जाते हैं आगे के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम रखा है सेंटर्स एंड देयर मैकेनिज्म। सेंटर्स यानी केंद्र, कितने सेंटर्स होते हैं हमारे, हमारे मन के कितने केंद्र हैं, टोटल 7 केंद्र हैं, जिसमें हमको जो स्टडी करना है और हमारे पास जो मौजूद है वो है मेन IESM यानी खंड एक के 4 केंद्र। खंड एक, खंड दो का अ है हमारे पास, लेकिन वो अपने आप कार्य करता है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं, तो उसको स्टडी करके कोई फायदा ही नहीं। 2 भी हमारे पास है ही नहीं, 3 हमारे पास है ही नहीं, और 4 यानी सेक्शन 4 का यानी 6th और 7th केंद्र हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अपने को सीमित रखना है केंद्र और उसकी तंत्र यानी यंत्र रखना, यानी क्या कि ये 4 केंद्र जो है IESM, इनकी यंत्र रचना क्या है उसके बारे में इस चैप्टर बताएंगे। और डॉक्टर सयाजी आगे जाके किसी न किसी चैप्टर में वर्णित करते हैं, उल्लेख करते हैं कि ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कम से कम बाकी सब चीजों के बारे में बता दें कि दो बार पढ़ना ही चाहिए किताब, इससे पहले कि आप कोई भी प्रैक्टिकल अभ्यास करो, इससे पहले अच्छा है कि आप क्या करो, कोई भी सब चैप्टर्स दो बार पढ़ लो, लेकिन इस चैप्टर को तो कहते हैं बार बार पढ़ो, यानी जिसको बोलते हैं ना भाई पीढ़ पक्की कर लो, अपनी जो बेस है ना उसको मजबूत कर लो। तो ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में है, एक तो क्या है सबसे बड़ा चैप्टर है इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन 19 पेजेस का चैप्टर है, तो ये 18.5 पेजेस का मूल किताब में चैप्टर है और हमारे हिंदी किताब में 30 पेजेस का ये चैप्टर है, तो इसको हम 4 व्याख्यानों में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी बीच में हो सकता है आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लगे, बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणित इन्वॉल्व है इसमें, है ना, जो आपको पूरी तीव्रताएं हमारे केंद्र की कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे हमें ऊर्जा को अंदर संचित करना है, और कैसे ऊर्जा संचित होगी तो हमारी कुंडली भी जागृत होगी और फिर हम रोमांस लाइन क्रॉस करेंगे, सारी चीजें इसमें दी गई है, तो बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी इधर हिल गया माइंड, तो फिर आपको थोड़ा सा ऑफलाइन हो गए तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि तो लंबा चैप्टर है इसलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे इससे। अब क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करते हैं, एक व्याख्या बताते हैं कि कैसे इंसान अलग अलग विचारों में डूब सकता है, और फिर ऐसा इंसान जो इतने विचारों में डूबा हुआ उससे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो मन एकाग्र कर पाए किसी भी एक विषय पर। उससे शुरुआत करते हैं कि एक इंसान अपनी ऑफिस की मेज पर एक पत्र पढ़ रहा हो सकता है कुर्सी पर बैठ के, समझे इमेजिन करें एक सिचुएशन, एक आदमी है तब जो कोई डायरेक्टर है कोई ऑफिस का और बैठा है अपने ऑफिस की चेयर में और एक पत्र सामने आता है, दोनों जमाने में पत्र, आजकल के जमाने में ईमेल, आजकल के जमाने में व्हाट्सएप मैसेज या ऐसा बोल सकते हैं, उस जमाने में तो पत्र ही आते थे, अरे जब 1976 में किताब लिखा गया तब की बात है, आजकल ईमेल सामने रखा बैठा रहता है आदमी, लोग ईमेल पढ़ते रहते हैं पत्र तो नहीं पढ़ते हैं, उसकी टांगें हिल रही हो सकती है। अब टांगें हिल रही हो सकती है इसका मतलब क्या, कौन सा केंद्र काम कर रहा है, वेरी गुड, तो टांगे हिल रही हो सकती है और एक हाथ की उंगलियों से वो ठकठका यानी मेज पर तबला बजा रहा हो सकता है, पत्र भी पढ़ रहा है और ऐसा भी कर रहा है और टांगे भी हिल रही है, टांगे भी हिल रही है, हाथ से ऐसा तबला बजा रहा है और क्या कर रहा है, पत्र भी पढ़ रहा हो सकता है। अब आगे क्या बता रहे हैं, अपनी एक आंख के कोने से यानी वो सब कर भी रहा है ऐसा समझ कर रहा है ऐसा, और एक आंख के कोने से क्या कर रहा है, किसी को देख रहा है, एक आंख के कोने से किसी को देख रहा है और वो ध्यान से देख रहा है और हो सकता है किसी एक पर निर्भर करता है उसके विचार, यानी जिसको वो देख रहा है, यानी ये सब तबला भी बजा रहा है, टांग भी हिला रहा है, पत्र भी पढ़ रहा है और एक आंख के कोने से किसको देख भी रहा है, तो जो जिसको देख रहा है उस पर निर्भर करेंगे उसके अंदर के मन के विचार, और वो हो सकता है कोई इंसान हो जो पत्रों पर छाप लगा रहा हो, तो उसी का ही कोई ऐसा चपरासी है जो भाई आपके साथ पत्र आए हैं उसके ऊपर क्या कर रहा है, स्टैंप लगा, ये पत्र पढ़ लिया हमने, ये आ गया रजिस्टर पत्र, उसके ऊपर छपा लगा रहा है कोई इंसान, कोई चपरासी, अथवा कोई क्लर्क अपने पन्नों को टटोल रहा, या किसी को काम दिया हो क्लर्क को तो अपने पन्नों को ऐसा कर रहा है, देख रहा है भाई काम दिया है कहां पे क्या कह दिया है, डेटा कहां पे है सर,
हो सकता है वो, और कोई हो सकता है कोई, और कोई सेकेंडरी हो सकती है जो कि डॉक्टर सैयद जी की फेवरेट है, क्योंकि आपने देखा था वो रिस्ट वॉचिंग में भी वो सेकेंडरी के बारे में सोचते हैं कि उसके स्कर्ट के बारे में सोचते हैं और उसके रूपरेखा के बारे में सोचते हैं, तो वही कोई सेकेंडरी हो सकती है, कोई लेडी सेकेंडरी है जो अपना स्कर्ट को क्या कर रही है थोड़ा सा बना रही है, उसको ठीक कर रही है, संवार रही है। तो ये तीन चीजों के ऊपर निर्भर करके उसके अंदर के विचार क्या चल रहे हैं, पत्र भी पढ़ रहा है, सामने से देख भी रहा है, तो ये अलग अलग चीजें उसके अलग अलग विचार निर्माण करेगी। जो इंसान देख रहा होता है उसने हो सकता है भारी भोजन किया हो, लंच टाइम हो गया हो, लंच टाइम में भोजन करके बैठा हो, अथवा अच्छे भोजन करने की आशा रखता हो, या तो लंच टाइम से पहले का सीन हो सकता है या तो लंच टाइम के बाद का सीन, पहले का सीन होगा तो अभी वो आशा कर रहा होगा कि मुझे अभी भोजन मिलने वाला है, गर्मा गर्म में खाना खाने वाला हूँ, और किया होगा तो उसका पेट भरा होगा, है ना, और आखिरकार अंत में पत्र के विषय में भी कुछ दूसरे विचार उत्पन्न कर रहा हो, जो पत्र पढ़ रहा है उसमें भी कुछ ऐसा विचार हो सकता है, कुछ ऐसा डेटा उसने पढ़ा हो, यानी चीजें पढ़ी हो जो उसमें अलग से विचार निर्मित कर रहा हो, कल्पना करने की कोशिश करे। डॉक्टर सैयद जी बता रहे हैं कि अलग अलग कार्य उसके मन के और उसके साथ साथ चलने वाले अलग अलग विचारों के रूप, यानी कितने कार्य वो एक साथ कर रहा है और कितने विचार उसको एक साथ आ रहे होंगे, पूछने के लिए ललचा जाएंगे कि ऐसा इंसान जो इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहा है कैसे सक्षम हो सकता है स्पष्ट सोच के, उसकी सोच स्पष्ट कैसे होगी, वो तो बिल्कुल ऐसा क्या होगा, मिंगल्ड हो जाएगी, कभी ये कभी वो, यानी एक एक डायरेक्शन में वो सोच ही नहीं सकता है, उसकी अलग अलग दिशाओं में उसकी सोच जा रही है। एक आम इंसान जो कि अपने मस्तिष्क के पहले खंड के चारों केंद्र से खेलता है, और एक विकसित इंसान जिसने अपने खंड चार तक का विकास कर लिया है, उसमें फर्क कैसा होता है, यानी एक इंसान वो समझो जैसे हम लोग सामान्य इंसान जो हम खाली पहले खंड के चार केंद्रों में अपनी खेल खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास दो है, दो बर और तीन और चार है नहीं उसका, और वो इंसान जिसने क्या किया है अपनी आत्म विकास किया है और अपने सेक्शन टू बी थ्री और चार तक को खोल दिया है, तो उसकी सोच में और एक इंसान जो खाली पहले खंड से सोच रहा है उनमें क्या अंतर होगा वो यहां पे बता रहे हैं। हालांकि वो सुनता है, और वो इंसान जिसने अपने चारों केंद्र चारों सेक्शंस खोल दिए, सुनता है, देखता है, स्पर्श करता है, यानी आप इंद्रियों के माध्यम से सब चीज कर रहा है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और सांस लेता है, जो विकसित इंसान है उसे ये मालूम होता है कि ये कार्य वो खुद वो क्या कर रहे हैं, गुणा गुणेशु भूलना नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गुण आपस में खेल रहे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये रजस तमस और सबको गुण आपस में क्या आपका खेल हो रहा है, मैं खाली क्या कर रहा हूं, साक्षी रूप से उनको देख रहा हूं। कौन देखेगा ऐसा जिसका प्रगत चौथा केंद्र यानी चौथा सेक्शन खुल चुका है, यानी सातवां केंद्र जो मन का है उच्च केंद्र वो खुल चुका है, वो सब चीजें करेगा जो एवरेज इंसान करेगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि वो समझेगा कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब अपने आप हो रहे हैं, गुण आपस में खेल रहे हैं, मैं उसमें लिप्त होने वाला नहीं हो जाएगा। एवरेज इंसान क्या करेगा, हर एक चीज में लिप्त हो जाएगा, इसमें कानों से कुछ सुना, आंखों से कुछ देखा, नाक से कुछ सुना, हर एक चीज में उसकी मन उदाम पे चले जाएगा, इस प्रकार से फर्क है। हालांकि वो बात करता है, लेन देन करता है, अपनी आंखें खोलता है और बंद करता है, फिर भी उसे मालूम है कि उसकी इंद्रियां केवल खुद का जी बहला रही है वस्तुओं के संवेदनाओं के बीच, यानी वस्तुएं जो संवेदनाएं क्रिएट कर रहे हैं और इंद्रियां क्या कर रही है उसमें मस्त इन्वॉल्व होकर जी बहला रही, मैं कुछ नहीं कर, मैं उससे क्या हूं, मैं कुछ अलग हूं, मैं उससे क्या हूं, अलिप्त हूं, ये उसको महसूस होगा। एक आम इंसान तो उन संवेदनाओं में क्या करेगा, बह जाएगा और उसके हिसाब से वो प्रतिक्रियाएं करते रहेगा जो सेक्शन वन में खेलता है। हमें न्यायाधीश यानी आदेश देना यानी किया गया है एक सामान्य जीवन जीने के लिए, लेकिन हमें समझना होगा खंड एक के काम करने का ढंग और इसके केंद्रों में सामंजस्य लाना होगा। हमें आदेश दिया गया है क्या, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, लेकिन हमें समझना होगा खंड एक का काम कि किस प्रकार से खंड एक काम करता है और उनके जो केंद्रों की आपस में कैसे लड़ाई होती है ये हमें समझना होगा। ये समझेंगे और उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, सामंजस्य जो अभी नहीं है
जो अभी क्या है इन केंद्रों में आपस में सामंजस्य नहीं है, लेकिन हमें इनको समझ के इनमें सामंजस्य लाना होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बाद में उसे खंड 2, 3 और 4 के साथ जोड़ना होगा। जब ये सामंजस्य हो जाएगा कि हमारे चारों केंद्र IESM इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5:2:1 हो जाएगा, यानी सामंजस्य निर्माण हो गया, फिर हम क्या कर पाएंगे इसको जोड़ पाएंगे किसके साथ, सेक्शन 2B, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के साथ जोड़ना होगा, और उसी समय विरासत में पाना होगा जो प्रकृति ने घोषित किया है इंसान का अधिकार, वो क्या है भगवान बनने का। यानी जब आपका सेक्शन 4 खुल जाएगा, यानी डायरेक्टली आप क्या हो गए, आप ईश्वर ही बन जाएंगे। तो प्रकृति ने सबको ये दिया है हमको शक्ति कि हम चाहें तो अपने इन चार केंद्रों का झगड़ा रोक के उनमें सामंजस्य निर्माण करके फिर धीरे धीरे जैसे इनका सामंजस्य निर्माण होगा अपने आप सेक्शन 2B खुलेगा, और 2B खुलने के बाद दूसरे केंद्रों का यानी दूसरे जो सेक्शन है उनका खोलने का मार्ग खुल जाएगा और हम 4 तक जा पाएंगे, और फिर क्या होगा हमारा रेशियो बदल जाएगा और फिर हम लोग खुद भगवान होने की क्षमता हमारे में है, वो हम बन सकते हैं। अगर आप अचानक खुद को देखने लगोगे 20 या अधिक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ध्यान से सुनना, खुद को रोज देखने लगोगे 20 या अधिक बार एक दिन में, आप चकित होकर पाओगे कि हर समय आपकी सोच अव्यवस्थित होती है या जमेली होती है, लेकिन हम देखते ही नहीं, हमारे पास समय ही नहीं। तो यहां तो बोल रहे हैं कि दिन में क्या करो 20 या अधिक बार आप क्या करो खुद के मन को ऑब्जर्व करो, यानी अलग से ब्रेन वॉचिंग मत करो कि 10 मिनट बैठे हो वो तो अलग करना है, वो तो आपको डायरी में लिखना है, लेकिन ऐसे ही कभी बैठे हो सडनली अपना कौन सा विचार मन में उठा उसको खाली ऑब्जर्व करो 20 या अधिक बार, तो आप देखोगे कि आपके मन की सोच कितनी क्या है अव्यवस्थित है, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है बिगड़ा हुआ रेशियो है। तो ज्यादा करके इमोशंस, ज्यादा करके सेक्स में ही हमारा, या ज्यादा करके मूवमेंट में ऐसे ही फालतू मूवमेंट करते रहेंगे या अन्य सारे विचारों में बहते रहेंगे, ऐसे ही हमारा अस्त व्यस्त होता है हमारी सोच। तो उसके बारे में आप निदान कर पाओगे, डायग्नोस कर पाओगे कैसे, लेकिन उसके लिए 10 या 20 बार बोल रहे हैं डॉक्टर ने शायद यहाँ पे कि दिन में थोड़ा सा समय निकाल के बैठे हो काम से 5 मिनट या 2 मिनट का समय निकालो और सिर्फ देखो कि मेरे मन में कौन सा विचार उठा, तो आप पाओगे ऐसी निरंतर जांच से आप सुधर सकते, नहीं तो सुधरने का कोई चांस नहीं, क्योंकि अपने को जब देखेंगे आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो हम लोग तब तक क्या कर रहे हैं बाहर देखते हैं कि बाहर का आदमी कैसे व्यवहार करता है और उसके अंदर जो उसके व्यवहार में जो मिस्टेक्स हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, भाई इसने ऐसा किया ना इसने ये मिस्टेक किया है ना, जबकि अगर अंदर वही जो हम लोग उसको निरीक्षण कर रहे हैं अपना निरीक्षण करेंगे तो हमारे अंदर कौन सी मिस्टेक है वो ढूंढ पाएंगे और उसको ढूंढेंगे तो क्या कर पाएंगे सुधार भी कर पाएंगे। निरंतर ईमानदारी से किया हुआ अभ्यास जरूर आपको मदद करेगा, लेकिन वो निरंतर होना चाहिए, यानी एक बार हफ्ते में एक बार देख लिया ना, संडे को मौका था ना चांस था ना थोड़ा टाइम मिला देख लिया, बाकी 6 दिन गए, तो रोज देखना है। तो निरंतर वो भी क्या है ईमानदारी से, यानी जो भी आपने ऑब्जर्व किया अंदर मेरे मन में क्या विचार आया, फिर भले ही कोई गलत विचार आया उसको भी नोट करना है कि ये गलत विचार आया, सिर्फ अच्छे विचार आया अच्छे विचार आया उसको नोट करेंगे, गलत विचार आया नहीं, मैं तो साधु महात्मा मेरे को सारे अच्छे विचार आते हैं, गलत कोई विचार आता ही नहीं, ऐसा करोगे तो सुधरोगे कैसे, सुधरने का कोई मौका ही नहीं, क्योंकि आप बोलोगे मैं तो पहले सुधरा हुआ हूं मेरे को तो कोई गलत विचार आता ही नहीं तो फिर मैं कैसे सुधर सकता हूं। तो इसलिए नेगेटिव विचारों को क्या करना है पहले, और वो हैं हमें दिखते नहीं क्योंकि हम कभी ऑब्जर्व करते नहीं। जब इन जांच पड़तालों का मूल्यांकन निदान करना हो हफ्ते में एक बार तो उन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत करें, यानी इसको अभी आप डायग्नोस करोगे ना तो हफ्ते में एक बार क्या करो उसको डिवाइड करो, 6 कैटेगरीज बता रहे हैं यहाँ पे, 6 कैटेगरीज में आप डिवाइड करो कैसे, एक ही केंद्र में विशिष्ट आसक्ति का प्रतिशत, यानी देखोगे कि मेरा कौन सा एक केंद्र ज्यादा है जिसमें मैं हमेशा उसी में ज्यादा कर जाता हूँ, यानी मैं इमोशंस में बह रहा हूँ पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो उसमें देखना है क्या इमोशंस के ज्यादा विचार आते हैं मेरे को या फिर आई सेंटर के ज्यादा विचार आते हैं या फिर एस सेंटर के ज्यादा आते हैं, तो उसको आपको चेक करना है कि कोई एक ही केंद्र तो नहीं है जिसमें मैं बार बार क्या कर रहा हूँ उसी में जाता हूँ, पहला करना है। दूसरा, एक केंद्र का दूसरे केंद्रों पर हावी होने का प्रतिशत, यानी क्या मेरा इंटेलिजेंस को हमेशा इमोशन दबाता है
या मेरा इंटेलिजेंस स्ट्रांग है और इमोशन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, यानी मैं जो सोचता हूं वो कर पाता हूं, इमोशन कुछ भी हो तो मैं कर पाता हूं, यानी क्या है आपका आई ई के ऊपर डोमिनेटिंग है, या ई आई के ऊपर डोमिनेटिंग है, या ई और एस आई के ऊपर डोमिनेटिंग है, या एस आई और ई के ऊपर डोमिनेटिंग है, तो ये आप एक केंद्र दूसरे केंद्र पर कितना हावी है उसको आप चेक कर पाओगे। तीसरा क्या है, एस केंद्र द्वारा हस्तक्षेप अथवा प्रभाव का प्रतिशत, ये एस केंद्र सबसे बड़ा खतरनाक केंद्र है, तो इसका कितना प्रभाव है आपके दूसरे केंद्रों पर, ये कितना हस्तक्षेप करता है, यानी कितना वो इंटरफियर करता है हर एक चीज में, उसको आपको नोट करना है, वो दिखाएगा कि आपका एस केंद्र कितना स्ट्रांग है। जमा खातों का प्रतिशत यानी डेबिट अकाउंट यानी क्या, ऐसे ही व्यर्थ ऊर्जा वेस्ट करते हैं, यानी पास में हर टाइम हम पास में चले जाते हैं, पास में चले जाते हैं, यानी ई केंद्र में जा रहे हैं, उसको देखना है कि जमा खातों में कितना जा रहे हैं, पीछे कितना बार जा रहे हैं, यानी पास में कितना हम बहन है उसके बारे में देखना है। क्या कोई एक ही खास कार्य विशेष कार्य अनन्य रूप से कर रहे हैं, कि वही वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, वही वही कार्य जो रोज रोज करते हैं वही वही कर रहे हैं, उसी की लाइकिंग है हमें, तो एक ही कोई कार्य को पकड़ के तो नहीं लगा है जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। क्या ये ज्यादा ही उलझा हुआ है ईमानदारी से विश्लेषण करने के लिए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा केंद्र मेरा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं विश्लेषण करने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उलझन में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये ईमानदारी से देखना है कि मुझे आज कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा कौन सा केंद्र आज ज्यादा स्ट्रांग था, वो भी लिख के रखना है। हफ्ते में क्या करना है, एक बार करना है, लेकिन रोज कितना बार विश्लेषण करोगे, रोज को कम 20 बार, वैसे रोज करोगे, संडे के दिन बैठ के क्या करना, लिख देना उसको कि कौन सा केंद्र ज्यादा था, इन 6 में वर्गीकृत करके। आने वाले सांकेतिक आवेग किसी खास केंद्र से अंदर आते हैं, जो आने वाला कोडेड इंपल्स होता है ना आता कहां से, मैंने आपको बताया कोई ना कोई पंच ज्ञानेंद्रियों से अंदर जाएगा, क्योंकि वही रास्ते है ना अंदर अंदर जाएगा, ब्रेन की तरफ जाने के ये इंद्रियां आपके तंत्रिकाओं यानी नसों से जुड़ी हुई है, कहां से आपके ब्रेन के ग्रे मैटर, बताया था ना नसें होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाती है ऊपर ब्रेन में, और ब्रेन में होता है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर में होते हैं स्पॉट्स, कौन से ISM, तो ये इंद्रियों के माध्यम से आता है, और भी आवेग आता है प्राप्त किया जाता है यानी, और पहुंचता है उसके संबंधित केंद्र में विसंकेतन के लिए और उससे विचार निर्मित होते हैं, आता है आवेग जाता है वहां पे डिकोड किया जाता है और उससे क्या होता है विचार निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया को ध्यान देना इसको कि जो आता है आवेग जाता है मस्तिष्क में और उसके बाद क्या होता है डिकोड होके क्या होता है विचार निर्मित होते हैं, इस प्रक्रिया को क्या होती है एक गति व एक कंपन होता है, यानी गति से आता है ना कुछ फास्ट आता है, अंदर आया नाक से गया अंदर गया ब्रेन में और हमको मालूम पड़ा बटाटे वटे की सुगंध आई, तो ये क्या हो गया गति से हमको पता भी चल गया गया भी अंदर और वापस आ गया, इसको क्या होती है गति होती है और उसको एक वाइब्रेशन यानी जो ये जो जाती है ना ये जो विचार आते हैं जाते हैं तो आवे वो नसों के माध्यम से ट्रेवल करते हैं, नसों में ऐसा कंपन निर्माण होता है, तो हर एक चीज को क्या होता है एक गति होती है और एक कंपन होता है यानी वाइब्रेशन होता है। अब ये निर्माण करता है तीव्रता इंटेंसिटी, इसको कहते हैं क्या इंटेंसिटी यानी शक्ति, कितनी तीव्रता से वो आपका विचार कितना तीव्र है, आप इमोशनली कितने ज्यादा बह गए हो वो दिखाता है कि आपकी तीव्रता कितनी है, तो तीव्रता किससे निर्माण होती है आपकी गति और कंपन, और गति और कंपन किसको होते हैं जो भी आने वाला सांकेतिक आवेग है जब वो जाता है ब्रेन में पहुंचता है तो उसको क्या होती है गति इंद्रियों के माध्यम से पहुंचता है तो उसको क्या होती है गति और कंपन, और गति और कंपन क्या निर्माण करते हैं आपकी इंटेंसिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके इंटेंसिटी इंटेंसिटी शब्द बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है, पॉजिटिव इंटेंसिटी नेगेटिव इंटेंसिटी, उसको समझने के लिए ये तीव्रता आती कहां से जो भी आवेग आता है उसको गति होती है उसको कंपन होता है उसको वाइब्रेशन होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं आपकी उस आवेग की क्या करते हैं तीव्रता निर्माण करते हैं। हम तुलना कर सकते हैं सामान्य अथवा औसतन तीव्रता हर एक केंद्र के हर एक विचार की, यानी हर एक जो आवेग आता है और उससे जो विचार निर्मित होता है उसकी तीव्रता में क्या होता है फर्क हो सकता है, कुछ विचार कम तीव्र होंगे और कुछ विचार क्या होंगे ज्यादा तीव्र होंगे, तो उसमें फर्क आप अनुभव कर सकते हो, और बाद में ये भी नोट कर सकते हैं कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और नकारात्मक तीव्रता जो कि संभव है हर एक केंद्र के हर एक विचार के,
यानी मैक्सिमम कितना तीव्रता हो सकती है आई केंद्र के लिए, मैक्सिमम कितना तीव्रता हो सकती है ई केंद्र के लिए, पॉजिटिव कितना और नेगेटिव कितना, यानी बेसलाइन तो है लेकिन पॉजिटिव कितना हो सकता है और नेगेटिव कितना हो सकता है। खाली एक केंद्र में नेगेटिव नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, एम केंद्र में नेगेटिव नहीं होता है, बाकी सब में होता है, पॉजिटिव आई पॉजिटिव नेगेटिव आई पॉजिटिव ई एस नेगेटिव एस, लेकिन एम सिर्फ पॉजिटिव नो नेगेटिव। इस प्रकार से हम देख सकते हैं आवेग हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं पांच इंद्रियों के माध्यम से, जैसे आपको बताया, और अपने अपने आप और हमारे सचेत ध्यान के बिना, यानी ये अपने आप आते हैं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको कहा था ना इच्छा शक्ति से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन सा आवेग आना चाहिए, वो तो आएगा और वो तो आ ही रहे हैं और हम उसको डीकोड करते रहते हैं कि हमारे अंदर का ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि हमारा रेशियो क्या है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको डीकोड करते रहेंगे, अपने आप आते हैं और हमारे ज्ञान के बिना हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वे पहुंचते हैं मस्तिष्क के पहले खंड में और यहाँ पे फिर खंड एक में है चार स्थान या बिंदु अथवा स्पॉट्स है ना, वहां पे जाते हैं, हम इन्हें निदेशक बुलाते हैं, हम क्या कहते हैं इसको डायरेक्टर बुलाते हैं, साधारण कारण की वजह से कि ये बिंदु अथवा स्पॉट अथवा केंद्र बहुत ही ज्यादा सचेत और बुद्धिमान कोशिकाओं का संग्रह है, यानी जो आई ई एस एम है उसको कहते हैं ना हाइपोथेटिकल स्पॉट, यानी काल्पनिक स्पॉट है, लेकिन वो क्या है, एक कोशिकाओं का संग्रह है जो कि बहुत ही क्या है, बुद्धिमान कोशिकाओं का संग्रह है और जो कि सक्षम है प्रतिक्रिया करने में और इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं आने वाले संकेतिक आवेगों को, किसमें कन्वर्ट करते हैं वो विचारों में कन्वर्ट करते हैं, जो आते हैं कोडेड इंपल्स उसको डीकोड करके वो विचार निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आवेग आते हैं और कहां जाते हैं, इसको हिट करते हैं और अपने आप क्या हो जाते हैं, उससे विचार निर्मित होते हैं। एग्जांपल बता रहे हैं कि आपने क्या किया, एक मस्त नींबू आपके सामने काटा गया या कोई ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ जिसको आपको बहुत अच्छा लगता हो वो आपके सामने लाया गया हो, तो क्या होता है मन में अपने आप मुंह में क्या होती है लार निकलना शुरू, तो ये कैसे हुआ, ऑटोमेटिक हुआ ना कि कुछ नाक से आपने सुगंध सुनी सूंघी किसकी नींबू की, वो गया ब्रेन में डीकोड हुआ और वहां से विचार निर्मित हुआ और आपके टेस्ट में यानी जीभ पे आ गया उसका संवेदना और आपकी अपने आप से क्या हो गई लार बनना शुरू हो गई। अब इसके बाद एक थोड़ा सा सेंसर वाला एक शब्द है, फोटो दिखाने वाला हूँ, उसका आप ध्यान से करें देख लें, या कभी कभी क्या होता है एक आदमी है ना, कोई आदमी बैठा है और उसके सामने कोई लड़की गुजरती है या कोई बहुत ही सुंदर लेडी गुजरती है कम कपड़ों में या तो फिर ट्रांसपेरेंट कपड़ों में, तो वो भी गुजरता है कुछ मानसिक और भावनात्मक आकड़ी बोलते हैं उसको कन्वल्शन, जैसे कोई ऐसा झंझाल आ गया अंदर, तो इस प्रकार से देखते हैं कि कोई ऐसा लड़की आपके सामने कोई गुजर गई किसी आदमी के साथ, तो वो सडनली उसके मन का भावनाएं और कल्पनाएं आ जाती है जिसमें अंदर वो बोलते हैं कन्वल्शन, जिसको कहते हैं डॉक्टर साहब जी वो कन्वल्शन से गुजरता है, ऐसा कोई सीन देख लेता है, यानी उसके मन में क्या हो जाता है एकदम खलबली खलबली मच जाती है, ऐसा कोई सडनली पिक्चर देख लिया कोई सुंदर लड़की का उन कपड़ों में तो उसके मन में खलबली मच जाती है, ये भी ऑटोमेटिकली होता है, जहां पे अपना एस केंद्र क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है और मन में ऐसी भूचाल आ जाता है। और उसके बाद बताते हैं कोई लेडी जाए है ना और किसी अच्छे कपड़े के ऊपर उसको लगे अच्छा लगे, एक स्टोर में गई है ना बड़े बिग मॉल में और वो देखती है कोई अच्छा कपड़ा है ना जो उसको पसंद आता है, या फिर एक हीरो का हार ज्वेलरी की दुकान में गई हीरो का हार उसको पसंद आया, तो उसके फिर क्या होती है मन की प्रक्रियाएं क्या हो जाती है सक्रिय हो जाती है, फिर उसके मन में विचार शुरू हो जाते हैं ये तो मुझे ड्रेस चाहिए, अब मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊं जैसे मुझे ये ड्रेस या तो क्या करे ये हीरो का हार मुझे वो लेके दे, तो इस प्रकार से मन की प्रक्रियाएं अपने आप शुरू हो जाती है, आया कहां से बाहर से कोडेड इंपल्स आया ब्रेन में गया डिकोड हुआ और मन की प्रक्रियाएं मन ने अपना खेल क्या कर दिया शुरू कर दिया, विचार निर्मित होना शुरू हो जाते हैं, वो एग्जांपल से बता रहे हैं। अब जब भी एक आवेग अंदर आता है और मस्तिष्क में पहुंचा है वो पहुंचता है तो वो लाता है एक छोटा सा ऊर्जा का टुकड़ा, ध्यान में रखना कोई भी जब कोडेड इंपल्स आता है तो अपने साथ एक छोटा सा ऊर्जा का टुकड़ा यानी एनर्जी एनर्जी का पैकेट लेके आता है अपने साथ, क्योंकि हर एक चीज में क्या है एनर्जी समाहित है, वो कैसे एनर्जी का सोर्स है आगे बताएंगे यहाँ पे। ये आवेग सांकेतिक रूप में होता है और जब विसंकेतिक किया जाता है मस्तिष्क में तो ज्वलनशील गैस के जैसा भभकता है और इस प्रकार से छोटा ऊर्जा का टुकड़ा बन जाता है या तो बड़ी ऊर्जा की रकम अथवा बस वो जल जाता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। तो ये जो आता है छोटा ऊर्जा का टुकड़ा आया
एक कोडेड इंपल्स के रूप में वो जाता है मस्तिष्क में टकराता है, तो या तो वो ज्वलनशील गैस की जैसा भपकेगा और बड़ा ऊर्जा में वो कंट्रोल हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा निर्मित हो जाएगा, या तो वो जल के क्या हो जाएगा खाक हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने वो सांकेतिक आवेग को किस प्रकार से डिकोड किया, पॉजिटिव वे में डिकोड किया है ना, सही तरीके से डिकोड किया तो वो आपके लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। यानी आपके IESM का रेशियो बराबर है और अपने आने वाले आवेग को आपने डिकोड बराबर से किया, पॉजिटिव तरीके से किया, तो क्या हो जाएगा वो आपकी ऊर्जा की रकम बन के आपको फायदा देगा। और अगर नेगेटिव नॉर्मल जैसे होता है इमोशंस और सेक्स में एनर्जी वेस्ट करते हैं हम लोग, तो फिर वो जो आएगा छोटा ऊर्जा का टुकड़ा में क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा और आपके लिए कुछ भी बचने वाला उसमें नहीं है, एनर्जी आपकी सेविंग होने वाली नहीं है। जब वो गलत तरीकों से विसंगेत किया जाता है, विसंगेतित किया जाता है, डिकोड किया जाता है तो वो जल जाता है, और जब सही तरीकों से वो डिकोड किया जाता है तो बड़ी ऊर्जा की रकम संग्रहित की जा सकती है, या तो आगे फिर वो विघटित की जा सकती है, या तो वो संग्रहित की जाएगी आपके अंदर, या तो उसका भी क्या हो जाएगा विघटन होकर वो खाक हो जाएगी, जल के खत्म हो जाएगी। तो ऐसा है, या तो पहले से ही वो जल जाएगी कुछ बचेगा नहीं, या पर संग्रहित भी करोगे तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल होगा, या तो फिर प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि हम सही तरीकों से उनको डिकोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका रेशियो कैसा है आपके माइंड के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर IESM का रेशियो कैसा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। जब ये संग्रहित होती है तब ये बढ़ाती है इंसान की आंतरिक शरीर व मन की दशा को, और जब विघटित होती है तो इंसान थका, इंसान को वो थका देती है शारीरिक भावनात्मक कामुकता और बौद्धिक स्तर पर अलग अलग दशाओं के माध्यम से, जैसे हमने पहले देखा है। या तो अगर वो संग्रहित हो गई तो इंसान की आंतरिक शक्ति को क्या करेगी बढ़ा देगी, और यही बता रहा हूं मैं आपको, यही शक्ति को हमें बचाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा राइट डिकोडिंग करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास आवेग आते हैं उसको सही तरीके से हम लोग डिकोड करेंगे तो हम ऊर्जा को सेव कर सकते हैं। हर एक आवेग की जो ऊर्जा आती है, क्योंकि हर एक आवेग छोटा ऊर्जा का टुकड़ा लेके आता है, हम उसको बड़ी रकम बना सकते हैं अगर सही तरीके से उसको डिकोड किया तो। अगर गलत तरीके से डिकोड किया तो कुछ नहीं बचेगा और हमारी सारी एनर्जी किसमें, या तो शारीरिक यानी मेंटल जब हम लोग फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं, या तो फिर क्या मन के विचार करते हैं आय केंद्र, या फिर भावनात्मक, या फिर सेक्स, या तो कामुक ऊर्जा में हम सब चीजें क्या कर देते हैं वेस्ट कर देते हैं। अब सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो ऊर्जा अल्टीमेटली आती कहां से, उसका मेन केंद्र का है सूर्य, सूर्य के माध्यम से जो उसकी रोशनी है उसमें क्या है ऊर्जा का क्या है मेन स्रोत, यानी शुरुआत कहां से होती है ऊर्जा की सूर्य से होती है। सूर्य क्या करता है उड़ेलता है अपनी ऊर्जा को उदारतापूर्वक, यानी उसमें कोई ऐसा है नहीं, बोलता है जो जितना चाहिए जो वो देने को बिल्कुल क्या है उदार है, यानी बिल्कुल सबको क्या देता है वो दान करते रहता है ऊर्जा का इस धरती पर, और जो कि बदले में रूपांतरित की जाती है, यानी जो ऊर्जा सूर्य से आती है धरती पर इसको क्या किया जाता है रूपांतरित की जाती है गर्मी, जो आप महसूस कर सकते हैं सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलती है गर्मी मिलती है ऊष्मा मिलती है, फिर पौधे खनिज पदार्थों में और संक्षेप में संपूर्ण जीवन, पौधों को सूर्य की एनर्जी मिलती है तो पौधे क्या होते हैं ग्रो होते हैं, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स में एनर्जी मिलती है, या सारे इंसान के सभी जगत के प्राणियों को ये ऊर्जा मिलती है। स्रोत क्या है सूर्य, उसका क्या है स्रोत है, बदले में वे हम अंदर लेते हैं इनकी माध्यम इन तक आई खनिज पदार्थों में आई सब में आ चुकी है ना, पेड़ पौधों में आ गई, हम उसको क्या लेते हैं अपने अंदर कैसे लेते हैं इनके द्वारा खाद्य पेय, यानी हम प्लांट्स और एनिमल्स से हमको क्या मिलता है खाना पीना मिलता है, उसके माध्यम से हम ये ऊर्जा को क्या करते हैं अपने अंदर ले रहे हैं, श्वसन सांस ले रहे हैं, प्लांट्स निकालते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो हम ऑक्सीजन क्या करते हैं श्वसन के माध्यम से अंदर लेते हैं, फिर आवाज देखने स्पर्श और सुगंध की संवेदनाओं से ये जो ऊर्जा आई इन सब पदार्थों में आई, अब इन पदार्थों से हम क्या करते हैं अंदर ग्रहण करते हैं इन तीन चीजों के माध्यम से। सूर्य भी वैसे ही प्राप्त करता है ऊर्जा केंद्र बिंदु से जिसके चारों तरफ वो घूमता है, और इस तरह से अनंत काल तक वो घूम रहा है। सूर्य भी क्या करता है पूरा रोटेट करता है ना, धरती के चारों तरफ घूमता है और बाकी जो सूर्य मंडल है उसके भी चारों तरफ घूमता रहता है, पूरा आकाश गंगा में वो भी घूमता रहता है, तो उसकी भी रोटेशन होती है, तो एक स्रोत होता है, और स्रोत सूर्य के स्रोत क्या है वो परमात्मा शक्ति वहां से आ रहा है, उसको ऊर्जा मिलती है, वो क्या करता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पर पहुंचती है अनगिनत स्रोतों से,
जो इंसानियत के लिए कुछ नुकसानदायक हो सकती है और कुछ उपयोगी होती है। कुछ ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या ऐसे रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेज, जो कि बहुत नुकसानदायक होती है, और कुछ कुछ बहुत ही फायदेमंद रेज होती है वो वहां से आती है। जो नुकसानदायक होती है, प्रकृति ने ऐसा मस्त रूप बनाया है, एक ऐसी रचना की है संसार की, कि जो नुकसानदायक किरणें हैं जो कहां से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है, उसे अपने आप क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है प्रकृति के द्वारा वायुमंडल से गुजरते समय। जब वो एटमॉस्फेयर से आता ना, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है क्या, एटमॉस्फेयर से किरणें गुजरती है तो उसको अपने आप क्या किया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है। जो नुकसानदायक रेज है वो जैसे नीचे न पहुंचे, जो हमारे कीटाणु शोधक कक्ष के रूप में कार्य करता है, यानी हमें उसको कहते हैं डिसइंफेक्शन चैम्बर, यानी ये हमको डिसइंफेक्ट करता है, यानी जो भी डिफिकल्ट या बहुत ही हानिकारक किरणें आने वाली है ब्रह्मांड से, उसको ये फिल्टर करता है। इसलिए धरती का क्या है, एक डिसइंफेक्शन चैम्बर है, जो हमें हानिकारक किरणों से क्या करता है, बचाता है। वायुमंडल की ऐसी व्यवस्था होती है कि ठीक ठीक सही मात्रा में सही प्रकार के विकिरणों को अंदर आने दिया जाता है, जो सही है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उन्हीं को अंदर आने दिया जाता है, जबकि विकिरण जो कि हानिकारक साबित होती है उनको क्या किया जाता है, उसको एटमॉस्फेयर में ही छान दिया जाता है, उसको अंदर लाया नहीं जाता है। इस ग्रह को तैयार किया गया है लंबे समय से रचनात्मक स्रोतों के माध्यम से जीवन के आने के लिए। साइंटिस्ट बोलते हैं बस ऐसे ही कभी मानव आ गया, कभी धरती बन गई, कभी ये हुआ और अपने आप निर्माण हो गया, ऐसा नहीं है, सडनली नहीं होता है। इस ग्रह को यानी धरती को लोगों को आने के लिए, यानी मनुष्य जाति को आने के लिए, उस स्रोतों ने, यानी वो जो मेन स्रोत है जिन्होंने निर्माण किया है, उन्होंने लंबे समय तक उसके ऊपर क्या किए, बहुत ही तैयारी की कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग रह पाए अच्छी तरह से, उसकी तैयारी के साथ इस ग्रह को क्या किया गया है, बनाया गया है। ऐसे ही नहीं बनाया कि बस आगे सडनली लाइफ यहाँ पे चालू हो गई, नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत की है और बहुत सोच विचार की है जिन्होंने भी ये बनाया है प्रकृति ने। हर जगह से इसलिए बहते हैं आवेग अथवा छोटी ऊर्जा के टुकड़े सांकेतिक रूप में, यानी आवेग ये अदृश्य होते हैं, यानी जो भी है ना, इसलिए वो ऊर्जा कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बह रही है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में सांकेतिक आवेगों के माध्यम से नीचे आ रही है, जो हम ग्रहण करते हैं और जिसको डिकोड करके हम क्या करते हैं, विचार निर्मित करते हैं। इस प्रकार विसंकेतन मुक्त करता है ऊर्जा को आने वाले आवेगों से। विसंकेतन के उचित तरीकों से ये छोटा और छोटे ऊर्जा के टुकड़े बनाए जाते हैं बड़ी मात्रा के ऊर्जा, यानी बताए ना, अगर सही तरीके से हम उसको डिकोड कर पाएंगे, जो भी टुकड़े आ रहे हैं और वो भी बताएंगे कितने आ रहे हैं टुकड़े हमारे तक, 120 प्रति सेकंड ये आवेग हमारे उधर आ रहे हैं, और हम उसको विसंकेतन करेंगे यानी डिकोड करेंगे, अगर सही तरीके से करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा की रकम हमारे लिए हो सकती है। और ये जब ऊर्जा की रकम इतनी बड़ी होगी और कुछ मात्रा में, जो बताएंगे आगे जाके इसी चैप्टर में, जब आप ऊर्जा की रकम अपने अंदर जमा कर पाओगे, तभी आप पहुंच पाओगे क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक, और तभी आप वो मानव रहित क्षेत्र क्रॉस करोगे। अगर हम लोग बरोबर डीकोड नहीं करेंगे, जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, इसलिए कोई ऊर्जा की बढ़ोतरी हमें होती नहीं है। ये ऊर्जा शोषित की जाती है कोशिकाओं से और बदले में ये जन्म देती है उत्सर्जन बल को, जिसे उपविभाजित किया जा सकता है भौतिक यानी क्या किया है, जो भी कोशिकाएं हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर सेल्स, हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, तो छोटे ऊर्जा के टुकड़े जो सांकेतिक आवेगों के रूप में अंदर आते हैं, वो इन कोशिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, अंदर शोषित किया जाता है और उसको उपविभाजन किया जाता है। इन मेन चार केंद्रों की कोशिकाओं की होती है ना, जो इंटेलिजेंस होगी तो क्या बोलेंगे उसको, बौद्धिक आई केंद्र, फिर क्या बोलेंगे, भावनात्मक यानी ई केंद्र की ऊर्जा, फिर कामुक यानी एस केंद्र की ऊर्जा, फिर भौतिक यानी एम केंद्र की ऊर्जा, और उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और आणविक मॉलिक्यूलर। तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर किसकी है भाई, सेक्शन 3 जो है वो मॉलिक्यूलर प्लेन है, और सेक्शन 4 है वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है। तो वहां पे ये सब अलग अलग डिवाइड की जाती है, ये ऊर्जा जो आती है हमारे ऊपर, आवेग हमारे ऊपर बहते रहते हैं, जैसे कि हर रचना में अथवा बनाई हुई चीज में 120 प्रति सेकंड के दर पर जो कोडेड इंपल्स आ रहे हैं ना, आपको हिट कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, 120 प्रति सेकंड के दर पे हमारे, क्योंकि इतनी जगहों से आ रहे हैं ना, पूरे ब्रह्मांड से आ रहे हैं ना ये इंपल्स,
तो वो आते रहते हैं। प्रत्येक विषम के अंदर यानी डिकोडिंग कार्य को दोहराता है और इसलिए ये जमा करता है हर इंसान के शरीर में और मन में बल की निश्चित मात्रा। जैसे डिकोड करेंगे तो अगर सही तरीके से डिकोड किया तो कुछ निश्चित मात्रा में बल आपके अंदर क्या हो जाएगा, जमा हुआ जाएगा। ये बल नकारात्मक अथवा सकारात्मक, रचनात्मक अथवा हानिकारक और फायदेमंद यानी प्लस या तो माइनस हो सकता है। हम बुलाते हैं इस बल को प्लस परिणामी तीव्रता जब एक इकट्ठा होता है और माइनस परिणामी तीव्रता जब ये इकट्ठा नहीं होता। यानी बल जो आपके अंदर जमा हुआ कहां से आया, बल आया कहां से, जो भी कोऑर्डिनेट बल से छोटे ऊर्जा में टुकड़े थे हमने क्या किया उसको जमा किया। तो अगर सही तरीके से उसको जमा किया, डिकोड किया तो ये बल हो जाएगा पॉजिटिव बल, जिसको क्या कहते हैं प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी और जो प्रॉपरली डिकोड नहीं किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल के खाप हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा नेगेटिव यानी माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ऊर्जा के टुकड़े तो आ ही रहे हैं लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए, वो नेगेटिव हो गए और अगर बचा पाए तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। शायद ही कभी विषम के अंदर मुक्त ऊर्जा और अब शून्य होती है, यानी ऐसा नहीं होता है कि कोई आया डिकोड हुआ और वो शून्य हो गया, नहीं, या तो थोड़ा माइनस या तो थोड़ा प्लस उसमें रहता ही है। ज्यादातर ये एक छोटी इकाई प्लस अथवा माइनस तीव्रता के साथ होती है उचित अथवा अनुचित विसंकेतन के तरीकों की वजह से। अगर उचित तरीकों से करेंगे तो प्लस होगी और नेगेटिव तरीकों से करेंगे, अनुचित तरीकों से करेंगे उसको डिकोड तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। स्थान जहां पे ये ऊर्जा इकट्ठी होती है वो क्या है, आती कहां पे, हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर के प्रथम केंद्र प्रथम खंड के चार केंद्रों में, ये आई ई एस एम के ऊर्जा के रूप होते हैं इसलिए इसको कहते हैं आई ई एस एम केंद्र क्रमानुसार, यानी इसी जगहों पे आके डिकोड होते हैं तो इसलिए उसको कहते हैं आई एम सेंटर एस सेंटर। ये सारे स्थान होते हैं मस्तिष्क के किसमें, पहले खंड में। खंड दो मस्तिष्क का इकट्ठी करता है कोशिकीय आणविक ऊर्जा, इसको कहते हैं कोशिकीय यानी क्या, सेलुलर कोशिकाएं। आपको पता है ना कोशिका का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर का सेल, सेल यानी समझते ना, एक कोशिका, एक छोटी सी कोशिका जिसके हमने पढ़ा है लोग परिचय में कोशिका, तो वो कोशिकीय आणविक जो खंड दो है वो कॉम्बिनेशन है। खंड एक क्या है, प्योरली कोशिकीय। खंड एक क्या है, हमारे शरीर में क्या है, प्योरली कोशिका है, तो वहां पे कोशिकीय ऊर्जा रहती है यानी सेलुलर एनर्जी। खंड दो में क्या हो जाती है, वो सेलुलर प्लस मॉलिकुलर, पूरी तरह से मॉलिकुलर नहीं, सेलुलर प्लस मॉलिकुलर। और खंड तीन में क्या होता है, सिर्फ मॉलिकुलर। और खंड चार में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक। आप समझ रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एटम यानी क्या होता है, एक एटम यानी जो पानी का एटम हुआ, पानी उसकी फॉर्मूला क्या होती है, H2O, क्या होती है, H2O। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल बन के बनते हैं, एटम बनता है। अब मॉलिक्यूल किससे बने रहते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो कि होती है सेक्शन 4 में, और जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है वो किसमें होती है, सेक्शन 3 में। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेलुलर और मॉलिक्यूलर किसमें होती है, सेक्शन 2B में। और खाली सेक्शन 1 में क्या होती है, कोशिकीय ऊर्जा यानी सेलुलर एनर्जी होती है। इतना समझ में रखिए बात। दूसरे केंद्र है पांचवा केंद्र अथवा आयन केंद्र, छठवें केंद्र को हम बुला देंगे पैरामेंटल केंद्र, और वो काम करता है जूनियर प्रबंधक निदेशक यानी जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है आपको मालूम है। और सातवें केंद्र को हम बुला देंगे पारलौकिक केंद्र, यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल सेंटर, और वो क्या काम करता है, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये नाम दिए उनको। अब आयन केंद्र संक्षिप्त में क्या होता है, ध्यान में देखिए यहाँ पे, ये जो सेकंड सेंटर है यानी कौन सा है, खंड दो का सेंटर, जिसको क्या नाम दिया है हमने, यानी क्या बोलते हैं उसको, इंस्टिंक्टिव सेंटर, या तो बोलते हैं इंस्टिंक्ट सेंटर या तो इंट्यूशन सेंटर। उसके दो भाग हैं, तो एक भाग का नाम क्या है, इंस्टिंक्ट सेंटर, यानी जो बोलते हैं 2A को क्या बोलते हैं हम लोग, यहां पे आप बहुत ही ध्यान से बिल्कुल ये
दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि खंड दो के दो केंद्र हैं 2A और 2B। अब 2A को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सहज प्रवृत्ति या तो इंस्टिंक्ट सेंटर, यानी जो अपने आप सहज प्रवृत्ति, यानी हमारे शरीर में जो चीजें अपने आप सहज घट रही हैं, उनके ऊपर जो नियंत्रण रखता है उसको कहते हैं 2A, सहज प्रवृत्ति या तो इंस्टिंक्ट सेंटर। और दूसरा होता है सेक्शन 2B, इसको क्या कहते हैं, इंट्यूशन सेंटर, जो आगे जाके क्या चीजें घटने वाली हैं उसका ज्ञान आपको देगा। लेकिन हैं दोनों किसके पास, पांचवें केंद्र के ही दो उपविभाग हैं। पांचवा केंद्र किधर है, सेक्शन 2 में है। आई बात समझ लो, सेक्शन 2 में पांचवा केंद्र, पांचवा केंद्र के दो उपविभाग 2A 2B, 2A यानी सहज प्रवृत्ति वाला केंद्र यानी इंस्टिंक्ट सेंटर, और 2B यानी इंट्यूशन सेंटर। तो ये बात यहां पे बिल्कुल क्लियरली समझ जाए, कोई नियंत्रण संभव नहीं होगा पांचवें छठे और सातवें केंद्रों पर जब तक सही तरीकों का पालन नहीं किया जाता और सामंजस्य नहीं लाया जाता। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी IESM में जब तक सामंजस्य नहीं आया, जब तक उनमें हार्मनी नहीं आई, तब तक आप भूल जाओ कि पांचवा, छठा और सातवां केंद्र आपका काम करेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे जैसे वो है ही नहीं आपके पास। तो ये सेलुलर मॉलिकुलर, ये मॉलिकुलर, ये इलेक्ट्रॉनिक, इनका कोई अर्थ ही नहीं है जब तक आपने क्या नहीं किया, पहले चार केंद्रों को क्या कर दिया, उनमें बैलेंस नहीं लाया, उनको हार्मोनी नहीं लाई। जब ये हासिल किया जाता है तब पांचवा विकसित होता है। जैसे ही आपकी हार्मोनी आ जाएगी, यानी चारों केंद्र आपस में क्या करेंगे, हार्मोनियस हो जाएंगे, उनका अनुपात बदल जाएगा, 5:2:1 हो जाएगा, तो अपने आप आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका पांचवा केंद्र खोलेगा, फिर अपने आप उससे प्रगति होगी छठा, फिर सातवां, ऐसा क्रम से जाएगा। कोई नहीं जैसे बताया आपको, हाँ बाद में छठा और सातवां भी विकसित होते हैं और उसी के साथ संबंधित चेतना का फैला होता है उच्च शक्तियों को प्राप्ति के लिए। क्योंकि जैसे ही आपका छठा खोलेगा तो क्या होगा, छठा खोलेगा तो आपको मैंने बताया था ना, अलौकिक शक्तियां, यानी सारी मेमोरी आपकी पास्ट की मेमोरी जो हो चुका है और फ्यूचर में क्या घटने वाला है, सारी मेमोरी आपकी शक्तियां, उसको बोलते हैं विभूतियां, है ना, जिसको कहते हैं सिद्धियां, वो आपको प्राप्त होंगी जैसे आपका छठा और सातवां केंद्र खुल जाएगा। क्यों और कैसे हम पहुंचते हैं तीव्रता घर पर अलग अलग ऊर्जाओं की और उनके इकट्ठे होने वाले स्थानों पर खंड एक में कैसे हम पहुंचते हैं, ये इसकी तीव्रता कितनी है वो अभी बताएंगे हम लोग। एम केंद्र की तीव्रता दर, यानी इंटेंसिटी, तीव्रता दर का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी रेट, और तीव्रता क्या मतलब क्या होता है, तीव्रता इज इक्वल टू क्या, स्पीड एंड कंपन, स्पीड एंड वाइब्रेशन, स्पीड और वाइब्रेशन मिलाकर बनाता है तीव्रता। अब वो तीव्रता की कितनी रेट है, कितना उसमें तीव्रता है, दर जितनी है उतनी एम केंद्र की लगभग आई केंद्र की जितनी होती है, यानी आई और एम की तीव्रताएं क्या होती है, सेम होती है, इसे तो पता है ना, 2, 4, 8, 2, यानी वो भी दो है और वो भी क्या है, दो है, यानी आई और एम की तीव्रता दर क्या होती है, सेम होती है, है ना, और उनका औसत भी उतना ही होता है। इस धरती पर औसतन मानवता खर्च करती है भौतिक ऊर्जा, और भौतिक ऊर्जा काफी कम, यानी हम लोग जो मोबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं एम केंद्र का और आई केंद्र का, ये मानवता क्या करती है, खर्च बहुत ही कम करती है। इसके लिए उसकी क्या है, तीव्रता दर क्या है, कम है। तो ज्यादा खर्च इसमें कैसे, किसमें करते हैं हम लोग, ई और एस, कितना करते हैं बताएंगे अभी आप, तो काफी कम है। भावनात्मक और कामुक ऊर्जा के मुकाबले, यानी वो हमारा आय और एम केंद्र का जो ऊर्जा का खर्चा है वो ई और एस के खर्चे के हिसाब से क्या है, बहुत ही कम है। क्योंकि जो संभावित खर्च करने की शक्ति भावनाओं की है उतनी ऊंची है जितनी बौद्धिक और भौतिक उत्पादन साथ में किए लिए गए, यानी अगर आय और एम को आप साथ में जोड़ोगे तब जाके वो मैच करेगा किसको, आपके ई केंद्र की ऊर्जा दर, यानी ई इज इक्वल टू क्या, आई प्लस एम, वो तो आप देखते ही हैं, रेशियो क्या है, 2, 4, 8, 2, तो 4 इज इक्वल टू 2+2, यानी जो ई केंद्र का ऊर्जा का खर्चा है वो आई और एम को मिला के क्या हो जाता है, सेम होता है। और सभी तीन यानी बौद्धिक,
भौतिक और भावनात्मक एक साथ रखें तो बराबरी करते हैं सम्मानित खर्च को जो कामुक केंद्र का होता है, यानी एस केंद्र का 8 है तो 2 + 4 + 2 = 8। तो आई और एम का तीव्रता दर क्या है, कम है, कितना है, इक्वल है। ई का इन दोनों को मिला के इक्वल बन जाता है और एस का तीनों को मिला आई ई और एम तीनों को मिला के क्या हो जाता है, एक साथ सेम हो जाता है। ये नाखुश मामलों की स्थिति है आज के इस ग्रह, ये बता रहे हैं डॉक्टर सर जी कि ये है, ये सच्चाई है कि हमें ई और एस ज्यादा तीव्र हैं और ये एक्चुअली नाखुश करने वाली स्थिति है क्योंकि हम सारा दिन उसी में बैठे रहते हैं। इसलिए हम कोई भी कोडेड इंपल्स बरोबर तरीके से डीकोड नहीं करते हैं और इसलिए हम ऊर्जा का बचाव नहीं कर सकते, वो जल्दी क्या हो जाती है, खाक हो जाती है। और इसलिए जितनी ऊर्जा लेके हम पैदा हुए थे मरने के वक्त हमारे उतनी ही नेगेटिव एनर्जी में हम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ई और एस केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है और जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा क्या हो जाती है, बरोबर तरीके से डीकोड आवेगों को डीकोड नहीं करते हैं, इंपल्सेस को डीकोड नहीं करते हैं और जिससे हमारा कोई बचत होती नहीं और यही नाखुश करने वाली स्थिति है आज के इस मनुष्य का, के इस ग्रह का। चलो एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, अब एक आंकड़े लेंगे, यहां पे मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है कि आंकड़ों के रूप में लेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे कि एक आंकड़ा 1000 इकाइयां, यानी 1000 इकाइयां मतलब क्या, यूनिट्स, 1000 यूनिट्स समझे आई और एम केंद्र को हम एक देते हैं उनको, आई केंद्र की कितनी तीव्रता दर है, उसका इंटेंसिटी रेट क्या है, 1000 यूनिट्स, आई का 1000 यूनिट्स एम, ठीक है, ये बेसिक रखते हैं। उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली ई और एस का अपने आप हो जाएगा, ई केंद्र के पास होगी कितनी, डबल, दोनों को मिलाएंगे आई प्लस एम तो कितना हो जाएगा 2000 और एस के पास होगी आई प्लस ई प्लस एम, यानी 2000, 1000 और 2000 कितने हो जाएंगे, हो 4000 इकाइयां जो उपजाता है हमारे वर्तमान अनुपात को 2482, यानी 1000, 2000, 4000 एंड अगेन 1000 आई एस एम के लिए, ठीक है, क्रम अनुसार ये दर दुगना हो सकता है उत्तम रूप से, फिर हम उसे कहते हैं प्लस बुलाते हैं, अथवा सबसे खराब रूप में वो डूब सकता है निम्नतम स्तर पर और उस मामले में हम उसे बुलाते हैं माइनस। यानी ये जो बेसिक रेशियो है, क्या बोला आपने, 1000, 2000, 4000, 1000, ये डबल हो सकता है, है ना, डबल हो सकता है, यानी वो 2000, 4000, 8000 एंड 2000, या तो उतना ही हो क्या हो सकता है, नीचे भी डूब सकता है, -2000, -4000, -8000, एम माइनस नहीं, एम में कोई माइनस नहीं, वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, वहां पे खाली प्लस ही हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। क्रमागत उन्नति धीरे धीरे बदल देगी इस अनुपात को और जब पूरी प्रजाति पहुंचेगी तब उसी अनुपात होगा 5:2:1 आई एस एम केंद्र के क्रम अनुसार, यानी क्रमागत उन्नति, जैसे मैंने बताया ना हम सब क्या है, आत्म विकसित प्राणी है, हमारा क्या हो रहा है, क्रमागत उन्नति यानी इवोल्यूशन, ये शब्द भूलना नहीं, हमने इंट्रोडक्शन में पूछा है, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, इंस्टेंटनेस, तीन शब्द, जो तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ाई की थी, वह एक शब्द वहां पे यहां पे काम आने वाला है अभी। तो हमारा जो इवोल्यूशन होता है उसका मतलब क्या है कि हमारा रेशियो अभी पूरी प्रजाति के लिए, यानी सारे मनुष्यों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2:1 हो जाएगा, क्या इस स्पीड, लेकिन इसको खोने के लिए कितना समय लगेगा, करोड़ों वर्ष लगेंगे, अरबों वर्ष लगेंगे, या पूरी अल्टीमेटली सबको पहुंचना है वहां पे, सब लोग क्रिटिकल सर्टन स्टेज क्रॉस करेंगे और सबका आईएस का रेशियो 5:2:1 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अगर आप इंतजार करते हो तो आपको करोड़ों वर्ष लगेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ व्यक्ति पहुंच सकते हैं और यहां प्राप्त करके इस अनुपात को ज़ेन योगा के माध्यम से, क्योंकि ज़ेन योगा आपको शास्त्र बताता है कि कैसे कोडेड इंपल्स आते हैं, कैसे वो डिकोड किए जाते हैं और कैसे हम सुधारात्मक तरीकों से इसको प्रॉपर डिकोडिंग कर सकते हैं, और प्रॉपर डिकोडिंग करोगे तो ऊर्जा जो आपकी वेस्ट हो रही है उसको हम क्या कर सकेंगे, सेव कर सकेंगे, और सेव करके इतनी सेव करेंगे कि इसी जन्म में हमको इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि हम लोग क्रिटिकल सर्टन स्टेज पहुंच जाएंगे और फिर हमारे ऊंचे खंडों को हम खोल सकते हैं, यानी आप इसी जन्म में चाहो तो उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जो अन्य मनुष्य जाति, यानी 5:2:1 रेशियो का अन्य लोगों को बहुत समय लगने वाला है। हम चाहें तो हम बहुत लकी हैं
कि हमारे हाथ में पहली बात तो ये किताब अद्भुत है और उसके बाद और लगे कि हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है इसको पढ़ने के लिए और फिर हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप में मिलके और फिर तरीकों को अगर अपनाएंगे और इस सब चीजों को कौन बताता है कोडिंग डिकोडिंग आपको लगता होगा ये सब बोरिंग लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं कौन सा गुरु को आपने सुना है इस प्रकार की बातें करते हुए कि ऐसा कुछ कोडेड इनपुट्स आते हैं उसको डिकोड किया जाता है उसको पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं नेगेटिव तरीके से कर सकते हैं इतनी इंटेंसिटी है और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो कैसे वो आपका स्टोर कर सकते हैं आपके ब्रेन में और आपके कुंडली इस प्रकार से कुंडली जो कहते हैं जागृत हो गई कैसे जागृत हो गई भाई वो कहते हैं बस षट चक्रों को अभी क्रॉस कर लेगी हो जाएगी षट चक्र ध्यान करो और आपकी कुंडली ऊपर उठ जाएगी कैसे उठेगी ऊपर हो ही नहीं सकता है जब तक इनके ऊपर काम नहीं किया इन बेसिक चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा तब कुंडली ऊपर उठ सकती है नहीं तो जेनेवा के माध्यम से हम कर सकते हैं सुविधा के लिए हम लेते हैं 1000, 2000, 4000, 1000 औसतन इकाई बल आई एस एम केंद्र कर्म अनुसार के लिए और इसका दुगना अधिकतम होगा या तो प्लस में या तो माइनस अभी मैंने आपको बताया प्लस 2000, 4000, 8000, 1000 या तो माइनस हो सकता है यह परिणाम है ऊर्जा मुक्त होने का आने वाले सांकेतिक आवेगों का विसंकेतिक करने से मस्तिष्क के पहले यानी खंड में आई एस एम स्थानों पे अगर ये बरोबर विसंकेतिक होते हैं तो हमें मिलता है क्या प्लस मिलता है शायद ही कभी ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी होती है विसंकेतन से क्योंकि जो तरीके लागू किए जाते हैं वो गलत है क्योंकि हम लोग तरीके जानते ही नहीं अज्ञान बताया ना कल कि पापी शब्द को किससे कन्वर्ट कर लो स्थानांतरित कर दो अज्ञान क्योंकि अज्ञान है पता ही नहीं है कि आवेग भी होते हैं और बातें हैं हम उसको डिकोड कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से गलत तरीके से पता ही नहीं है तो फिर हम लोग गलत तरीके से करेंगे और कभी ऊर्जा को सेविंग नहीं कर सकते हैं। फिर भी ऊर्जा इकट्ठी होने की संभावना 4 स्थानों में कैसे होती है 2, 4, 8, 2 के अनुपात में होती है आईएसएन केंद्रों के लिए हमारे विकास के वर्तमान स्थिति के हमारा जो विकास है अभी करंट हमारी पोजीशन वही है तो जो भी आएंगे आवेग इसी प्रकार से डिकोड होंगे जो नेचुरली होंगे अपने आप यानी इसमें हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं बताया ना कोई कंट्रोल नहीं है ऐसे ही डिकोड होते रहेंगे ऐसे ही ई और एस में ज्यादा डिकोड होते रहेंगे ऐसे ही हम लोग ऊर्जा का क्या करेंगे रिसाव यानी लीकेजेस होते रहेगा और कुछ ऊर्जा हमारे पास बचने वाली नहीं है अगर 4 आवेग पहुंचते हैं 4 स्थानों पर मस्तिष्क के खंड 1 में विसंकेतिक ऊर्जा मुक्त हुई हर एक केंद्र में अगर विसंकेतक उतना ही समान रूप से और सही और गलत हो चारों मामलों में साथ ही साथ तीव्रता दर ऊर्जा मुक्ति की विसंकेतन के बाद होगी 2, 4, 8, 2 अनुपात में यानी वही कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से आएगी 4 आवेग आए अगर और चारों पहुंचे अलग अलग स्पॉट पे यानी एक आवेग आया आई केंद्र के पास पहुंचा एक ई पे पहुंचा एक एस पे पहुंचा एक एम पे पहुंचा तो नेचुरली हमारा अनुपात पहले से ही फिक्स है 2, 4, 8, 2 तो उसके हिसाब से वो डिकोड की जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास कोई शक्ति बचने वाली नहीं है केंद्र इस बल को इकट्ठा कैसे इस बल को हम इकट्ठा किया जा सकता है सही तरीकों के ये हम बाद में बताएंगे सुधारात्मक तरीकों में बताएंगे कैसे हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं सही तरीकों के साथ जब कुछ मात्रा में बलों को एकत्रित किया जाता है कुछ निश्चित परिणाम संभव होते हैं जब तक आपने बेसिक बल को इकट्ठा नहीं किया तब तक कोई परिणाम नहीं दिखेगा इसलिए लोग इतने सालों से योगा करते हैं कुछ परिणाम नहीं दिखता है क्योंकि उनके अंदर कुछ बल निर्माण पैदा होता ही नहीं जमा होता ही नहीं तो परिणाम क्या दिखेगा और अगर आप जेनेवा का भी अभ्यास करते हो तो जब तक उस स्तर पे नहीं पहुंचे जब तक आपने प्रॉपर बल को इकट्ठा कर लिया तब तक परिणाम कोई बाहर से दिखने वाला नहीं है जब तक बड़ी मात्रा में बल या तो प्लस या माइनस इकट्ठा नहीं किया जाता हम उस इंसान में कुछ खास नहीं पाते यानी जब तक हम लोग 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं लेकिन आप मेरे में इतना ज्यादा परिणाम नहीं देख पाओगे कि अब तक बल उतनी मात्रा में क्या किया है जमा हुआ नहीं है इसलिए सामने वाले ने कुछ खास अंतर दिखाई नहीं देगा जबकि वो चालू है अंतर प्रक्रिया चालू है लेकिन फर्क नहीं दिखेगा जब तक क्या हो गया प्रॉपर मात्रा में नहीं इकट्ठी गए फिर भी जब संचय पहुंचता है 1 जेड इकाई अब यहाँ पे एक नया शब्द बता रहे हैं 1 जेड इकाई यानी जेड यूनिट उसको बोलते हैं जेड का मतलब क्या होता है जेनो का यूनिट 1 जेनो का यूनिट तक जब तक आपने बल को इकट्ठा नहीं किया है और अगर एक जेड यूनिट आपने इकट्ठा कर लिया फिर क्या होता है ये बल यात्रा करता है खास नस के माध्यम से जिसको कहते हैं नाड़ी जिसे सुषुम्ना कहते हैं यानी अथवा नस जो मेरुरज्जु के मध्य में होती है आपके बैकबोन के क्या होती है सेंटर में होती है और पहुंचता है बाहरी से खंड 2, खंड 3 और खंड 4 मस्तिष्क में यानी क्या होगा जब आपने 1 जेड यूनिट
ताकि आप अंदर आपने ऊर्जा इकट्ठी कर दी। कैसे की? सकारात्मक तरीकों से, सही तरीकों से आपने क्या किया, आवेगों को डिकोड किया और ऊर्जा को क्या किया, बचाया। हर एक डिकोडिंग में आपने ऊर्जा का बचाव किया, तो ये बढ़ते 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 जब आगे जाके एक जेड यूनिट, एक जेड यूनिट क्या है वो बताऊंगा मैं अगले व्याख्यान में आपको, लेकिन वो एक जेड यूनिट तक पहुंचती है तब वो जो सुषुम्ना नाड़ी है, यानी इसको कहते हैं कुंडलिनी, जो बेस में सोई पड़ी है आपके मूलाधार चक्र में, फिर वो क्या करनी है, उठने लगती है ऊपर, और वो जाएगी मेरुदंड से ऊपर और खोलेगी इसको, षट चक्रों के माध्यम से गुजरेगी ऐसे जैसे नॉर्मल बोलते हैं, और सेकंड टू बी को खोलेगी, और एक बार टू बी खुला तो फिर थ्री और फोर को खोल पाएगी। इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, नाम दिया हमने परमेश्वरी, कुंडलिनी, सेम है परमेश्वरी बोलो या कुंडलिनी बोलो कहते हैं, और जब तक ये एकत्रित न किया जाए पूर्ण एक जेड इकाई में, तब तक ये कुंडलित रहती है या तो क्या रहती है, सोई हुई रहती है। यानी नॉर्मली सभी इंसान में कुंडलिनी सोई हुई है, क्योंकि हमारे पास उतनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हम लोगों ने इकट्ठी नहीं की है, लेकिन अगर प्रॉपर डिकोडिंग से हम ऊर्जा का बचत करते गए करते गए करते गए बहुत सालों तक करते गए, सुधारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते गए, तो ये ऊर्जा बचेगी, और जब जेड एक जेड यूनिट हो जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, ये कुंडलिनी अपने आप जो सोई हुई है, कुंडलिनी बोलते हैं उसको, ढाई ऐसा है ना, वो वाटे मार के अंदर सोई हुई है, वो उठेगी अपनी नींद से उठेगी और ऊपर जाएगी, और आपका सेक्शन टू भी, यानी आपका क्रिटिकल सर्टन, यानी एक जेड यूनिट आपने जमा किया फिर वो उठेगी, और जब दो जेड यूनिट जमा हो जाएंगे तो आप क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे, एक जेड यूनिट जमा होता है तो उठने लगती है, और जमा किया दो हो गए तो आप पहुंचेंगे क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे, तो और जमा करेंगे तो आप मोमेंट्स लैंड को क्रॉस करेंगे, जब आप चार जेड यूनिट्स इकट्ठा कर दोगे तब आपका सेक्शन 2 भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खुल जाएगा, और फिर अपने आप फिर इकट्ठी होते जाएगी और आपका सेक्शन 3 और 4 खुल जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये जो बाहर से कोडेड इंपल्स आते हैं उनको हमें प्रॉपर डिकोडिंग करने का तरीका सीखना है, और वो डिकोडिंग करने का तरीका ये है कि हम ये जो पांच चीजें बताई डॉक्टर साहब ने, ई वी एस ई एस, उनको अगर हमने प्रॉपरली अपनी जिंदगी में अपनाया तो ऑटोमेटिकली हम हर एक कोडेड इंपल्स को प्रॉपरली डिकोड कर पाएंगे, और जब प्रॉपरली डिकोड कर पाएंगे तो ऊर्जा की बचत होगी, और ऊर्जा जब इतनी बच जाएगी, और तब तक कुछ बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, जब तक प्रॉपर नहीं बची तब तक बाहर से कोई लक्षण नहीं दिखेगा कि सामने वाले में कैसे प्रगति हो रही है, लेकिन एक बार वो प्रॉपर यूनिट बन गया तो फिर आपको उस आदमी में क्या होगा, अपने आप फर्क दिखेगा, जो कि आप सब में यानी हम सब में वो शक्ति है कि हम वहां तक पहुंचे, कब पहुंचे पता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। हरिओम।